श्याम ट्रेडर्स जी का सवाल है। इनके नाम में ही ट्रेडर लिखा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि भाई इनकी मंशा क्या है। तो ये पूछ रहे हैं एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में पूछ रहे हैं कि तेजी बरकरार है या रिवर्सल आ गया। देखिए, एटलीस्ट 3 तारीख तक, एटलीस्ट जितने भी पीएसयूज हैं, जितने भी डिफेंस रिलेटेड पीएसयूज हैं, इनसे थोड़ा सा तो दूरी बना ही लीजिए, क्योंकि चांस लेने वाली बात है। चांस यही है कि सरकार आ गई तो एक एक दिन में हो सकता है 10-20% फिर चल जाए, और बाकी अदर वे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उस हिसाब से सेफ्टी मेजर यही कहता है कि इन सब शेयर्स में अभी कोई डिस्कशन, कोई भी डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई जब तक मेन मुद्दा यही है कि सरकार एक बारी बन जाए और फिर उसके बाद फ्रेश चाल की इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपको हाथ पे नंबर अगर हैंडी रखना है तो 4450 का रखिएगा, बड़े चाल में काम आएगा 4450। हाँ, बड़े चाल के लिए 4450 का रहना बहुत ज़रूरी है। जी, लेकिन इस चार्ट को देख करके मतलब इनके मन में ये सवाल क्यों आया होगा कि क्या रिवर्सल आ गया। क्या रिवर्सल देखने लायक कोई भी चीज है, या इनका टाइम फ्रेम इतना छोटा है कि ये मतलब 5200 से 5000 पर आने को ये रिवर्सल मानते हैं। देखिए, मैंने तो सारे पैरामीटर्स देख लिए, आवरली वाले भी देख लिए, डेली वाले भी देख लिए, मुझे अभी तक तो रिवर्सल नहीं दिखता है। रिवर्सल के लिए जो नंबर है वो नंबर है 4870, इसके नीचे क्लोज होने पे रिवर्सल है। जी,